वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन। बच्चों तो इससे पहले कि अगर एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है तो आप वो एक्सरसाइज बच्चों देख लो, इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिससे आपको इस मैथ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में हमको क्या क्या समझना है उनको थोड़ा सा हम डिटेल समझ लें। तो देखो बच्चों, इसमें हमको जो पढ़ना है वो है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम्स के डिटेल्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इन्हीं के बेस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला मोटो ये रखो कि इंडियन सिस्टम्स है क्या, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम्स है क्या। तो इन बातों को पहले आप समझिए, प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे आप बनाएंगे, इंडियन में कैसे बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल में कैसे बनाएंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे और फिर आपको इनको इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे वर्ड फॉर्मेट में, कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, सब बातों को डिस्कस करेंगे और इनके एक्सरसाइज में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को भी ध्यान देंगे हम लोग और करेंगे भी सॉल्व। तो बने रहें आप। चलिए तो देखिए, सबसे पहला कह रहा है वी फॉलो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड यूज द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो कह रहा है जब आप इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम को अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को देखिए। तो ये देखो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट लिखा हुआ है। तो देखो आपको पता है ऑलरेडी बच्चों, आपने सेकंड क्लास में पढ़ चुके भी होंगे, है ना। तो देखो वंस होता है, टेंस होता है, वंस होता है, थाउजेंड्स होता है, लाख होता है, करोड़ होता है, इस तरीके से चलता चला जाता है। इवन ये रहा कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख होता है। तो इस तरीके से इनकी हम टेबल बनाते हैं और ये जो दे रखे प्लेस वैल्यू, अगर वंस पे है तो वन आ जाएगा, टेंस पे है तो टेन आएगा, हंड्रेड पे तो हंड्रेड आएगा, थाउजेंड पे है तो थाउजेंड आ जाएगा, टेन थाउजेंड पे है तो टेन थाउजेंड प्लेसेस होंगी, है ना, लाख प्लेस है तो लाख, टेन लाख है तो टेन लाख, करोड़ है तो करोड़, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब क्या समझना है आपको, अगर वंस पे है तो जो डिजिट है वही डिजिट होता है, अगर टेंस पे कोई डिजिट है तो वो क्या होगा, टेन से मल्टीप्लाई हो जाता है वो उस डिजिट से। हंड्रेड पे जैसे मान लो यहाँ पे सेवन है बच्चों, यहाँ पे हंड्रेड है तो सेवन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सेवन हंड्रेड हो जाएगा। तो हंड्रेड पे जो भी वैल्यू होगा ना, जो भी वैल्यू होगा, या वन हो या टू हो या थ्री हो या फोर हो या फाइव हो या सिक्स हो या सेवन हो या नाइन हो बच्चों, ठीक है ना, तो वन से लेके नाइन तक ही होगा, जो भी नंबर होगा उसको आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट बटो थाउजेंड प्लेसेस में भी है, जो भी यहाँ पे डिजिट होगा ना आप उनको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे टेन थाउजेंड के पास आइए तो यहाँ पे भी जो डिजिट होगा उसको टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाख प्लेसेस का भी यही कॉन्सेप्ट है, टेन लाख का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो आई होप समझ आया ये, ठीक है। अब देखो कह रहे मस्ट कंट्रीज आउट इन इंडिया, कह रहे बहुत ऐसे कंट्री है जो इंडिया से बाहर अगर आप जाते हैं यूज द इंटरनेशनल सिस्टम। इंडिया में जो रहते हैं तो हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को फॉलो करते हैं और इंडिया से अगर आप बाहर जाते हैं, है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया बच्चों, श्रीलंका हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जो भी आप कंट्रीज के नाम जानते हैं बच्चों, इनकेस कभी वहां पे अगर आपके पेरेंट्स के साथ जाने का मौका मिला तो वहां पे आप देखेंगे क्या बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है। वहां के जो चीजें होती है, जो काउंटेबल्स होती है, जो वर्क फॉर्मेट होती है, वो सब इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, ठीक है। टेक विद द डिफरेंस बिटवीन दैट इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है बच्चों, वंस होता है, थाउजेंड्स होता है, दोनों में सेम है, उसके बाद यहाँ पे मिलियंस आ जाता है, मिलियंस होता है, फिर बिलियंस होता है, फिर ट्रिलियंस होता है, तो इस तरीके से चलता चला जाता है। आपका स्टैंडर्ड में वो चीजें अभी आया नहीं है बच्चों, है ना, क्लास फिफ्थ में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। चलिए अब देखो, इसका वंस होता है, टेंस होता है, हंड्रेड होता है, थाउजेंड्स होता है, टेन थाउजेंड्स होता है, हंड्रेड थाउजेंड्स होता है, ये ध्यान देने वाली बात है,
हंड्रेड थाउजेंड्स होता है, मिलियंस होता है, टेन मिलियंस होगा, हंड्रेड मिलियंस होगा, ठीक है ना। इस तरीके से वो फॉर्म जाता है। फिर प्लेस वैल्यू में देखे, वंस पे वही होगा बच्चों, टेंस पे होगा, हंड्रेड पे होगा, थाउजेंड पे होगा, टेन थाउजेंड पे होगा, हंड्रेड थाउजेंड पे होगा, हंड्रेड मिलियंस में होगा बच्चों, टेन मिलियंस होगा, हंड्रेड मिलियंस होगा। सेम कॉन्सेप्ट इनका भी है बच्चों, अगर वन प्लेस पे है तो वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन प्लेसेस पे है तो टेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हंड्रेड प्लेसेस पे तो हंड्रेड प्लेस हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थाउजेंड प्लेसेस पे तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कीजिए, टेन थाउजेंड पे तो टेन थाउजेंड से कीजिए, हंड्रेड थाउजेंड पे तो हंड्रेड थाउजेंड से कीजिए, मिलियंस पे तो मिलियन से कीजिए, राइट। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। एक चीज और डिफरेंस बता दूं मैं कि इसमें इंडियन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, पहले थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर टू डिजिट, फिर टू डिजिट, फिर टू डिजिट एंड सो ऑन चलता चला जाता है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम अगर इसमें देखें इंटरनेशनल में तो वेस्ट थ्री डिजिट लगता है बच्चों, फिर थ्री डिजिट, थ्री डिजिट, इसमें क्या होता है कभी चेंज नहीं होता है, थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगते चला जाता है, क्लियर। तो ये दो ध्यान रखना अच्छे से, इस पर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इनकी नेम की बात कर लेना कि इसका नेम कैसे लिखा जाएगा वर्ड फॉर्मेट में, तो देखो सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 50, क्या कह रहे हैं यहाँ पे बच्चों 56,87,709, यही पे लिखा है 56,87,709, क्लियर। तो ये बातें आपको वर्ड फॉर्मेट में इस तरीके से आपको अच्छे से आता भी होगा, अब लिखते भी होंगे, ये चीजें आपके लिए नए होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों मिलियंस है, तो ये मिलियंस कितने हैं, 5 मिलियंस है ना, तो यहाँ पे लिखा है ना 5,687,709, वही लिखा है यहाँ पे 5,687,709, बस इस तरीके से लिख देना, ये ध्यान रखना है 5 मिलियंस है तो मिलियंस लिखेंगे, 6,877 है, थाउजेंड्स तो थाउजेंड बोल देंगे, 709 वंस है तो 709 वंस बोल देंगे, क्लियर। अब देखो पीरियड की बात कर, यहाँ पे दिखाया गया है आपको, पीरियड भी समझना है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, पहले तीन पीरियड्स होंगे है ना, फिर टू, फिर उसके बाद क्या होगा, उस तरह से चलता चला जाएगा। देखो पहले 3 लैक्स के कह रहे पीरियड में अगर देखें तो 3 लैक्स है ना, यानी 3 हो जाएगा, फिर 2, उस तरीके से चलता चला जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। यानी 3 पीरियड्स होंगे तो मतलब नंबर ऑफ 2 डिजिट, नंबर ऑफ 2 डिजिट, नंबर ऑफ 3 डिजिट, मतलब क्या रहा है बच्चों, अगर हम लैक प्लेस को देखें, ये हो गया ना पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, तो तीसरे पीरियड में 2 डिजिट के होते हैं बच्चों, थाउजेंड, यानी सेकेंड डिजिट में भी 2 डिजिट ही होता है, यहाँ पे देखो थाउजेंड में भी 2 डिजिट ले रखे हैं, पीरियड 1 में क्या होता है बच्चों 3 डिजिट होता है, ये ध्यान देने वाली बात है ना। ये चीज मैंने पहले बता भी दिया आपको कि लैक में क्या हो गया, नंबर ऑफ 2 डिजिट होता है, थाउजेंड में नंबर ऑफ 2 डिजिट होता है, अगर वंस की बात कर लेना तो 3 डिजिट होता है, ये ध्यान रखना। और इंटरनेशनल में क्या होता है बच्चों, इंटरनेशनल में क्या होता है कि मिलियंस में भी 3 डिजिट्स होंगे, थाउजेंड में भी 3 डिजिट्स होंगे, एंड वंस में भी 3 डिजिट होंगे, तो इसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ डिजिट होता है, तो ये ध्यान रखना। इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में डिफरेंट होता है और इसमें सेम होता है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा इंडियन सिस्टम्स और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों, कह रहे रिमेंबर में इन द इंटरनेशनल सिस्टम वी राइट 1 लाख जो होता है बच्चों 10,000 के बराबर होता है, आप इसे अच्छे से याद करें। 1 लाख मतलब 1 मिलियन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 10 लाख्स, 1 मिलियन जो होता है बच्चों 10 लाख के बराबर होता है ना। आप देखते होंगे कहीं यूट्यूबर चैनल पे कि इसके 1 मिलियंस हो चुके हैं, मतलब क्या हुआ बच्चों कि उनके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछ रहा है। एक्सरसाइज में कह रहे बच्चों रीराइट द नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो इन वर्ड, तो कह रहा है इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप बनाएं और इनको वर्ड फॉर्मेट में लिखें। तो बच्चों इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, है ना, आप समझ भी चुके होंगे, है ना, और उनको वर्ड फॉर्मेट में भी लिखना मैंने बता दिया है
राइट, फिर भी मैं लिख रखा हूं, तो आप चाहो तो यहां से इनको अच्छे से समझ सकते हो और आप नोटबुक निकाल करके, पेंसिल निकाल करके और लिख सकते हो। सबसे पहला हमें जो डिजिट दिया हुआ है बच्चों ए बी सी डी, इनको मैंने यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। सबसे पहले हमने देखा था वंस था, फिर थाउजेंड था, फिर लैक था, तो मैंने इसी फॉर्मेट में बना लिया और यहाँ पे हमने उनके डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अगर वन है तो वन से मल्टीप्लाई किया, टेन पे है तो टेन से मल्टीप्लाई किया, हंड्रेड पे तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया, थाउजेंड पे है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया, टेन थाउजेंड पे है तो टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया और लैक पे है तो लैक को हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली बच्चों इसी तरीके से हमने भरा है ना। सेम बच्चों बी का भी इसी तरीके से मैंने भरा, सी का भी इसी तरीके से भरा है और डी का भी इसी तरीके से भरा हुआ है। आप ध्यान से अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर। चलिए तो पहला पार्ट तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये हुआ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है सर। दूसरा जो बच्चों है वो वर्ड में कह रहा है, राइट, तो मैंने वर्ड में भी लिख रखा है ना, जिससे कि मैं आपको कम टाइम में ज्यादा बातें को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। पहला में देखो बच्चों क्या कह रहा है, थ्री यहाँ पे कह रहा है बच्चों, अगर फर्स्ट की बात कर ले तो 3,25,047 है, तो 3,25,047 है। इसमें देखो बी में 4,47,896, वही बात यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों, 4,47,896 लिखा है। सी की बात कर ले 7,52,368 है, तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों। और डी की बात करें तो ये डी में भी यही लिखा है बच्चों, 14,14,78,965 वही लिखा है बच्चों। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों इंडियन सिस्टम में, और आपने देखा क्वेश्चन में भी कि हमको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट पूछ लिया और फिर उनके वर्ड फॉर्मेट में पूछ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो इंटरनेशनल के बेस्ड पे है, तो इनको भी ध्यान से समझिए और अच्छे से रीराइट द नंबर इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो वर्ड, सेम वही बात ये भी पूछ रहा है हमसे, ए बी सी चार क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनको पहले आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आप बनाएं फिर उनको वर्ड में लिखें, है ना। तो हमसे ने अच्छे से बना रखे बच्चों, वंस थाउजेंड्स मिलियंस का होता है तो मैंने बना लिया है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियंस एंड, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से मैंने जहाँ पे वंस प्लेस पे एक डिजिट लिखा है ना, टेन प्लेसेस पे, हंड्रेड प्लेसेस पे जो डिजिट है ये हमने भर दिया। अब इनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको हमने किया, जिस प्लेसेस पे जो है ना उतने से हमने मल्टीप्लाई किया। हंड्रेड थाउजेंड लिखना आता है, टेन थाउजेंड भी आपको लिखना आता है, इवन ये सब नहीं भी आता है तो आप ऐसे पुट कर लो अपने बुक में या नोटबुक में एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, है ना। मैंने मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, है ना, फोर को हमने हंड्रेड थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया है ना, इस तरीके से इसका जो वैल्यूज है, फिर इसके इसको हमने कर दिया ये वाला पार्ट इससे। तो आई होप ये प्लेस वैल्यू चार्ट आप आसानी से भर लेंगे, एक एक एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियोस और बड़ा हो जाएगा, आप समझदार हैं, अच्छे से समझ भी गए होंगे, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल्स बता दिया आपको, क्लियर। चलिए अब वर्ड फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, तो ध्यान दो, हमने बताया था कि इसके तीन डिजिट एक साथ लेने होते हैं, तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं 652,652,000, है ना, 104 है, वही लिखा है 652,104। सिम वही है बच्चों यहाँ पे 412,589,600,602,583, तो वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे। डी में है बच्चों 9,963,258, वही चीज हमने लिखा है ना। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इनको अच्छे से नोट कर ले बच्चों, है ना, और फिर एक दो बार खुद से भी प्रैक्टिस करो जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इन बोथ चार्ट, मतलब कह रहे बच्चों इससे पहले हमको दिया था
कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए। अब क्या कह रहे हैं बच्चों कि दोनों आप एक साथ ही बनाओ। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाएंगे और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू कैसे चार्ट बनाएंगे, आप अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी मैंने कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैं देखो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का इस तरीके से बना लीजिए आप, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख हमने बना लिया, ठीक है। और जहां जहां पे जो डिजिट है, वंस पे पहले डिजिट पुट करो, फिर टेंस पे, फिर हंड्रेड पे, फिर थाउजेंड पे, फिर टेन थाउजेंड पे, फिर लैख पे, इस तरीके से डिजिट को आपको पुट करना है। इंटरनेशनल सिस्टम में आप कैसे बनाएंगे, वंस बनाइए, टेन बनाइए, हंड्रेड बनाइए, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियंस, और उसके बाद पहले यूनिट डिजिट पे फिल करें, फिर टेंस पे करें, फिर हंड्रेड पे करें, फिर थाउजेंड पे करें, फिर टेन थाउजेंड पे, फिर हंड्रेड थाउजेंड पे। सेम इसी तरीके से बच्चों बी पार्ट में भी करना है। पहले आप ये चार्ट बनाइए, फिर ये जो बच्चों मैंने शॉर्टकट में लिखा है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लिखे हैं, आप अच्छे से इसको फुल फॉर्म लिख लेना, आईपीवीसी। आईपीवीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, दोनों आप चाहे तो रिमेम्बर कर सकते हैं और ध्यान से करेंगे आप, है ना। चलिए तो देखो हमने वही सेम चीज बना रखा है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, टेन लैक्स है। तो हमने पहले यूनिट डिजिट को फिल करा, फिर 10 को, फिर 100 को, फिर 1000 को, फिर 10000 को, फिर लाख को, फिर 10 लाख को, ऐसे डिजिट को फिल करना है, राइट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी वही करना है बच्चों, पहले वंस को फिल करेंगे आप, फिर टेंस को, फिर 100 को, फिर 1000 को, फिर 10000 को, फिर 100000 को, फिर मिलियंस को। तो इस तरीके से क्या होता है, फिल करने का एक वे होता है जिसको तरीका आप कहते हैं, है ना। चलिए सी में देखिए, और डी में बच्चों सेम है, आप इन चीजों को खुद भी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने सी भी बना रखा है बच्चों, है ना, डी भी बना रखा है। दैट साइड इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और दैट साइड इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट। दोनों आपके लिए अच्छे से बनाया हुआ है, आप चाहे तो एज इट इज कर ले, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर फोर में देखो क्या कह रहा है आपको, यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द न्यूमरेशंस न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटिंग बाय द पीरियड विद कॉमा। तो यहाँ पे फोर्थ टाइप में कुछ क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या रहा है, वर्ड में दिया हुआ है, है ना, या इंडियन सिस्टम में है या इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको कॉमा बना करके लिखना है। तो कॉमा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बच्चों इंडियन सिस्टम में कि लैक प्लेसेस पे जाएंगे तो टू कॉमाज आएगा, थाउजेंड जाएंगे तो टू कॉमा मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स टू आएगा, और वंस प्लेस में जाएंगे तो थ्री आएगा, और इंटरनेशनल बताया था कि सभी जगह थ्री थ्री जाता है। चलिए देख लेते हैं, कह रहे 204,601, तो 2004, ठीक है, 601, तो पहले थ्री इंटरनेशनल सिस्टम में है तो पहले थ्री डिजिट फिर थ्री डिजिट, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। बी में देखिए आप कह रहे 1,200,4,101 है, तो ऑब्वियसली बच्चों तो इससे 1 मिलियन हमने बना दिया, फिर 3 डिजिट, फिर इस तरीके से पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट आ जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहे 7,407, तो सिंपल सी फंडा है, आप पहले 7 कॉमा, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, तो इस तरीके से आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझाया था, है ना बच्चों। तो कंप्लीट वीडियो देखा करो जिससे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।